It's your birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. It's your birthday. Happy birthday. Happy birthday. It's a great day. That's what we say. Happy birthday. It's your birthday. Happy birthday. It's your birthday. Happy birthday. और ये क्लिप है 24th अर्ली मॉर्निंग की. अंशुल ऑफिस निकल चुके हैं और मैं ये पेंटिंग बना रही थी दो तीन दिन से, तो सोचा इसे अभी मैं कंप्लीट कर लेती हूँ. गोविंद सो रहा है और ये बेस्ट टाइम होता है अगर आप इस तरीके का पेंटिंग वगैरह का काम कर रहे हो तो, क्योंकि गोविंद ना बहुत नॉटी हो जाता है जब ये सब देखता है तो मुझे डर लगा रहता है कि वो पानी वगैरह ना फैला दे या कुछ ख़राब ना कर दे. इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि वाटर कलर या एक्रेलिक कलर जिसमें वाटर इन्वॉल्व होता है ये सब पेंटिंग में उसके सोते सोते ही करूँ. तो अक्सर ये सब करने का टाइम आइदर आफ्टरनून में होता है जब वो अपनी आफ्टरनून नैप लेता है, या फिर अर्ली मॉर्निंग. तो देखिए ये कुछ एंटीक पेंटिंग मैंने बनाई है ग्लू गन की हेल्प से. इसका कंप्लीट ट्यूटोरियल मैंने ये यूट्यूब से ही देखकर बनाई है. अगर आप चाहते हैं तो इसका कंप्लीट ट्यूटोरियल वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी उसका. और ये बहुत ही सुंदर लग रही थी, बट आप लोग मुझे बताइएगा कि ये मेरी पेंटिंग कैसी बनकर आई है. One, two, three, start. Hi guys, welcome back to your own real homemaking channel. आज आप लोगों का इस ब्लॉग में वेलकम करने के लिए आया है गोविंद. वो मॉर्निंग से हाई गाइस कर रहा था तो मैंने सोचा चलो आज उसी को बुलाते हैं ओपनिंग के लिए इस वीडियो के. तो आज है 24th of July और आज है मेरा बर्थडे और आप लोगों के इतने प्यारे प्यारे विशेज मुझे मिले हैं. कल शाम से मुझे विशेज मिल रहे हैं, कोई मुझे इंस्टाग्राम पे विश कर रहा है, आप में से काफ़ी लोगों ने मुझे मेल करके विश किया है और कम्युनिटी टैब पे विश कर रहे हैं. थैंक यू सो मच, आई एम सो ग्रेटफुल टू हैव यू ऑल इन माई लाइफ एंड आपके विशेज मिल के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. तो गोविंद काफ़ी एक्साइटेड था, जैसा कि आपने लास्ट क्लिप में देखा हम लोगों ने कल रात को केक कटिंग की थी. नॉट केक कटिंग, हम लोग पेस्ट्री ले आए थे. एक्चुअली केक बहुत बड़ा हो जाता है तो हम लोग ज़्यादा केक खा नहीं पाते हैं, बहुत मीठा होता है केक ना, तो इसीलिए हम लोग पेस्ट्री हमेशा प्रेफर करते हैं कि हम पेस्ट्री लेकर आएँ. तो हम लोग एगलेस बटरस्कॉच पेस्ट्री लेकर आए थे. बहुत स्विमिंग की थी. ओके, वेट करोगे आप, मम्मा बात कर ले एक बार. तो हम लोगों ने कल काटा था बटर स्कॉच पेस्ट्री, बहुत यम पेस्ट्री थी. आई विश मैं आप लोगों को भी खिला पाती अपने हाथ से इस तरीके से, बट डेफिनेटली वो तो पॉसिबल नहीं है कैमरा के थ्रू. और कल रात में केक कटिंग हो गई और आज वीकडे है तो अंशुल ऑफिस चले गए हैं, बट स्टिल मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मुझे अंशुल ने क्या गिफ्ट दिए. एक्चुअली ना हम लोगों के बीच में कोई सरप्राइज जैसी चीज़ हम नहीं रखते कि वो मेरे लिए कुछ लेकर आए और वो सरप्राइज रहे. हम लोग प्रेफर करते हैं कि एक दूसरे को बता के और पूछ के एक दूसरे के लिए गिफ्ट ले लें जिससे कि कोई यूजफुल चीज़ आ जाए, क्योंकि सरप्राइजेज में ना अक्सर ऐसा होता है कि आप कुछ ऐसी चीज़ ले लेते हो जो सामने वाले बंदे को नहीं चाहिए होती या उसको किसी और चीज़ की ज़्यादा नीड होती है. तो हम प्रेफर करते हैं कि बात करके डिस्कस करके एज अ गिफ्ट ही जो चीज चाहिए होती है वो हम ले लें. तो मैं आपको दिखाऊंगी. सबसे पहले तो ये आउटफिट है जो मुझे अंशुल ने गिफ्ट किया है, ये बहुत ही सुंदर प्लाजो सूट है. अंशुल ने मेरे लिए बाय किया था मीना बाजार से. अभी मैं इसका आपको पूरा व्यू देती हूँ. और उन्होंने मुझे एक कैमरा गिफ्ट किया था, कैनन कैमरा है, फ्लिप स्क्रीन है उसकी. ये मुझे जून स्टार्टिंग में मिल गया था जब हम इस घर पे आए थे. बता दो मम्मा का क्या है आज. हैप्पी बर्थडे केक है आज मम्मा का. कल कैंडल किसने ब्लो आउट की थी? कैसे ब्लो आउट की थी? ऐसे की थी. थैंक यू.
मुझे फैशन ब्लॉगर्स की तरह अपने कपड़े शो करना नहीं आता, मैं बहुत ही सिंपल हूँ इस टर्म्स में, तो मैंने सिंपली ही आपको अपना आउटफिट दिखाया है। मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा ये आपको आउटफिट। ये मुझे गिफ्ट मिला है जैसा कि मैंने बताया भी था। और अभी आए हैं हम लोग अपने फ्रेंड के यहाँ पर, उसने हम लोगों के लिए पार्टी ऑर्गेनाइज़ की थी। हम सब लेडीज़ की पार्टी है और काफ़ी सारा खाना था, बहुत फ़न किया सबके साथ मिलके। जब बर्थडे सेलिब्रेट हुआ तो बहुत ही मज़ा आया। तो वो स्टार्टर्स थे और ये गोलगप्पे हैं जो आप सभी जानते हो मेरी कमज़ोरी है। मैंने बहुत सारे गोलगप्पे खाए थे और बहुत टेस्टी थे। पानी तो बहुत ही यम बनाया था मेरी फ्रेंड ने। और देखिए ये क्लोज़अप व्यू मैं आपको पेंटिंग का दिखाती हूँ। मुझे ज़रूर अपना फीडबैक कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। मुझे ना नया क्रेज चढ़ा है अपने घर को ना अपनी बनी हुई पेंटिंग से डेकोरेट करने का। तो आजकल ना मैं बहुत पेंटिंग्स देखती रहती हूँ और ये जो मैंने पेंटिंग बनाई है ना, आई वोंट टेक द क्रेडिट बिकॉज मैंने इंस्पिरेशन लिया था यूट्यूब से। अगर आप चाहते हो तो उसका कंप्लीट वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। बहुत ही सिंपल है, दो दिखने में काफ़ी ऐसी लग रही है कि यार बड़ी टफ होगी, बड़ी शेडिंग है, बट अगर आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स को फॉलो करोगे ना, गूगल मैप, गूगल आंटी, तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स को फॉलो करोगे ना तो आपकी भी बहुत अच्छी पेंटिंग निकल कर आएगी। और अगर आप थोड़ा सा भी क्रिएटिव हो तो आप यू कैन जस्ट प्ले अराउंड द कलर्स एंड आप अपनी पेंटिंग को एक अपना पर्सनल टच भी दे सकते हो। ये हमारे घर के पास ही ना बहुत ब्यूटीफुल स्वामीनारायण मंदिर है, मैं भी आपको अंदर से दिखाती हूँ। यहाँ पे ना एक बार हम आए थे, आई थिंक सैटरडे को, उस टाइम पे बहुत अच्छी पूजा चल रही थी, आरती होती है और प्रसाद बहुत अच्छा मिलता है यहाँ पर। Do you like pasta? Yes. और मम्मा का आज क्या है बता दो? Happy birthday cake. Happy birthday cake है आज मम्मा। Happy birthday to you होता है मम्मा। Happy birthday होता है मम्मा। अच्छा ठीक है, sit down, sit down, sit down, sit down. Excited? How much? Excited होके दिखा दो। गोविंद की एक्साइटमेंट से आपको पता चल ही गया होगा हम आए हैं ऑलिव गार्डन पास्ता खाने। तो हमने मंगाया है ये लज़ानिया फ्रिटा। अगर आपको चीज़ पसंद है तो आपको ये डिश बहुत अच्छी लगेगी, अदरवाइज़ आपको ये डिश सो ही लगेगी मेरी तरह। और हम लोगों ने मंगाया है ये ट्रेडिशनल वेजी पास्ता जो गोविंद का फेवरेट है। तो बस अभी अभी हम लोग वापस आए हैं रेस्टोरेंट से और बहुत ज़्यादा खा लिया आज, पेट ना बिल्कुल एकदम अपर लेवल तक फिल हो गया है, लेकिन बहुत मज़ा आया। मेरे फ्रेंड्स को ने भी पार्टी टाइप हो गई, तो आज ही मैंने उन्हें बताया कि मेरा बर्थडे था तो उन्होंने और एक एक पानी पूरी मुझे एक्स्ट्रा खिलाई, तो हमने बहुत फ़न किया। आफ्टरनून भी फ़न था, फिर शाम को फैमिली के साथ बहुत मज़ा आया। तो काइंड ऑफ मैं कहूँगी कि मेरा US का ये बेस्ट बर्थडे था, क्योंकि यू नो जब सब लोगों के साथ आप मनाते हो ना तो एक अलग फीलिंग होती है। आज तक हम लोग, मैं अकेले, हम एज अ फैमिली ही मनाते थे कि शाम को बस चले गए बाहर कुछ खाने, बट आज बहुत मज़ा आया जब फ्रेंड्स के साथ भी मनाया। और मंदिर जाके हमें आज ये मिला है प्रसाद में मैंगो, दो मैंगोज मिले हैं, तो इसका भी मैं कल शेक वगैरह बना के हम लोग पूरी फैमिली पी लेंगे, क्योंकि हम लोग प्रसाद ना शेयर करते हैं। तो दो मैंगो हैं तो मैं 3 ग्लास मैंगो शेक इसका बना लूँगी। और बस मेरा बर्थडे का दिन ऐसा ही रहा, मुझे बहुत मज़ा आया, मैंने बिट्स एंड पीसेस में ब्लॉगिंग भी करी, तो आप लोगों के साथ भी ये दिन शेयर हो गया। एंड डेफिनेटली आप लोग तो मुझे इतना ज़्यादा प्यार करते हो, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो, तो आप लोगों के साथ तो शेयर करना बनता ही था। और आप में से किसी ने मुझे बोला है कि मैं अपने हस्बैंड की PhD का फेज
एट लेंथ इन अ वीडियो शेयर करूँ तो डेफिनेटली मुझे अपने हस्बैंड को थोड़ा सा कन्विंस करना पड़ेगा, अंशुल को कन्विंस करके मुझे एक वीडियो में बिठाना पड़ेगा. तो आई विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक दैट वीडियो. और मुझे भी आप लोगों के साथ बहुत सारी टॉपिक्स पे बात करनी है, तो आई एम थिंकिंग कि मैं एक चिट चैट वीडियो आप बनाऊँ. तो आज तक मैंने वैसे कोई चिट चैट वीडियो इस तरीके की नहीं बनाई जिसमें मैं मल्टीपल चीज़ों पे बात कर रही हूँ. जो आपके टॉपिक्स होते हैं, आप कुछ बात करना चाहते हैं या किसी टॉपिक पे स्पेसिफिकली आप लोग बोलते हैं कि मैं बताऊँ, तो मैं सोच रही हूँ कि चिट चैट वीडियो भी जल्दी मैं बनाऊँ. तो उसका भी मुझे थोड़ा सा प्लान करना है, इस वीक शायद मैं बनाऊँगी. तो आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ. अब मुझे दीजिए इजाज़त. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा. और अगर आप मेरे से कनेक्ट कर पाते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए. और आप मुझे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे फॉलो भी कर सकते हैं. और इंस्टाग्राम पे मैं काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हूँ, तो अगर आपको मुझसे बात करनी है तो आप मुझे DM करिए, मैं तुरंत तुरंत रिप्लाई कर देती हूँ. यू नो, ईमेल में क्या होता है कि ईमेल मैंने देख लिया, उसके बाद फिर मैं कभी ना भूल जाती हूँ रिप्लाई करना. फिर ऐसा होता है कि 3-4 दिन 5 दिन 6 दिन बीत गए और मैंने रिप्लाई नहीं किया. बट इंस्टाग्राम पे क्या होता है कि इंस्टाग्राम आपका फ़ोन में रहता है और आप मतलब दिन में 2-3 बार तो मैं इंस्टाग्राम खोल के देख ही लेती हूँ, तो मैं फटाफट से रिप्लाई कर देती हूँ वहाँ. इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए. अगर आपको कुछ बात करनी है मुझसे तो वहाँ पे बहुत जल्दी आपकी बात हो जाएगी. सो इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. फिर से मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय.